दोस्त ने चुना है जी हाइड्रा फैशन, रेट लिस्ट अपडेट हुई है और ये चेक करें। उधर से चेरी ब्लॉसम लगा आए थे, लगाई वाइट क्रीम है आपको बता रही। हाँ जी गैर उठे रहेंगे, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हैं आप। आंखें खोलें यार, आपके पैसे आपने खुद देने हैं, फ्री हो गए हो आप तो आके। मैंने कहा है घर बिरयानी बना दें, मैंने पूछे हैं मेरा वीडियोग्राफर कौन है, मैं कौन। इतना रश बना हुआ है आपको क्या ही बताएं। चलो जी बॉस, पहले आपने बल्कि सलाम ही नहीं दिया, बोला वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। माजरत आपकी बहनें बहुत ज़्यादा बिजी हुई हुई हैं, रूटीन इतनी टफ हुई हुई है, कुछ दिन घूमते फिरते रहे हैं, ब्लॉग एडिट नहीं हो रहे, अंदर से खवातीन की आवाज़ें आए तो माजरत खवाएं हम। बॉस के यूनिवर्सिटी फंक्शन है, इन्होंने कुक क्लिनजिंग कराने हैं या शायद हाइड्रा कराएं, इनकी स्किन बड़ी ख़राब हुई हुई है। स्कर्दू से आने के बाद इनकी स्किन बहुत खुश्क हो गई, आपकी बहन तो सिंपल क्लिनजिंग कराएगी। आपने चुना है जी हाइड्रा फेशियल। अच्छा ऐसे आज तबीयत ख़राब करके बैठी हुई है कि रेट लिस्ट अपडेट हुई है, रेट्स कम हुए हैं या पता नहीं ज़्यादा हुए हैं, आप चेक करके बताइएगा। लास्ट वाली मेरे पुराने ब्लॉग्स में पड़ी हुई होगी। अम्मी से आन क्या पता थोड़ी देर तक चक्कर लगाएं, वरना हम लोग इधर से निकल के या बाजार जाएंगे या नीला होटल जाएंगे। अभी बाकी चीज़ें डिसाइडेड नहीं हैं, अगर बॉस का नया मुकदा था होपफुली आपको विजिबल होगा। देखिए छोटे पार्लर वाले भी डर गए भाई, बॉस के मुँह तो जड़ी शायद लगनी हो किसी और मुँह तो ना लगे। नहीं नहीं यार, अच्छा मैं मुझे लगा ही हमारी बॉस के लिए खास तन की हालत देखी हो रहा है, सब के लिए सब के लिए। माशाल्लाह गर्ल्स आपने तो मुझे लाजवाब कर दिए, और मुँह को अम्मी जान भी होंगे पे उसे। आप बॉस को अवॉइड करें, आप सिर्फ अपने बहनों बहन के हाथ की हालत देखें। दिल तो वैक्सिंग करा लूँ पर चांसेस ऐसे लग रहे हैं, टाइम बचा तो कितने बाल आए हैं जो बच्ची गई है हमारे बॉस हैं। मैं बॉस का एक सीक्रेट आपको दिखाती हूँ, जितना मेलू वाले इनका मुँह हुआ था बोला वो चेक कराएंगे। और ये चेक करें कैसा लग रहा है मुफ्ती का इतना महंगा फेशियल करा के, जब आप कुछ कमाते भी नहीं हैं। हैं अच्छा लग, आपके घर माँ बाप बहन भाई जो है वो मुझे भी मिल सकते हैं। नहीं हैं, आप गएगा जितने अमीर बन रहे, आप गएगा अमीर घर पैदा हो गएंगे तो। आप इतनी ड्रांक खोलो बना, कितनी ड्रोनी लग रही हो। ओह काश मैं आपको सारा प्रोसीजर दिखा सकती होती कि बॉस के मुँह पर क्या अशर नशर हो रहे हैं। बहुत धुंधली सी तुम्हारी बना सो फिर हो रही। आपकी बहन ने हाइड्रा फेशियल तब कराया था जब आपकी बहन की स्किन बहुत ख़राब हो गई थी बाबलपुर मुल्तान से। आपको मैं ये फेशियल रिकमेंड तब करूँगी जब आपकी स्किन खुश्क हो जाए, और बहुत ऐसे ये बिल्कुल आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर जाती है, ऐसे बिल्कुल स्किन जैसे डेड और ड्राई हुई भी होती है ना वो बेहतर हो जाती है। स्कर्दू में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो बॉस की स्किन का हुआ है, क्योंकि इनकी स्किन बिल्कुल ऐसे फट गई है। तो अदरवाइज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये, इस वजह से सिचुएशन जब हो और जब आप अपने पैसे खुद कमाते हो। अगर आप मुफ्त हैं तो आपने बिल्कुल भी नहीं करानी, क्योंकि ये आपके घर वालों के लिए नुकसान है। ठीक है, उसके मुंह की कंडीशन देख के हर तरह के बिलचे रंबे आ गए हैं मार्केट में। इसको क्या कहते हैं, स्क्रबर। अच्छा दो मशीनें कह रही हैं इसलिए यूज़ करें, मशीन आने जो भी हों तो इतना को नहीं पता। ये जो होगी ये सारा इनका स्क्रबर यूज़ करेंगे इनकी डेड स्किन उतारने के लिए। वैसे सबसे अच्छा तो कह रही हैं कि ये होता है शक्कर, आपकी बहन ने ये यूज़ कराया था, लेकिन ये कि कहते हैं कि डर्ट ज़्यादा उतारेंगे, इनकी स्किन डेड हुई हुई है तो मास्क भी शोध नहीं लगा। नहीं पता इस चीज़ की आवाज़ बहुत अनोइंग है, ऐसे लगता है मेंढक थोड़े थोड़े घूम रहे हैं। दर्द हो रहा नहीं डर तो फिर आई क्यों कह रही हैं आप। घर से चेरी ब्लॉसम लगा आए थे, लगाई वाइट क्रीम है आपको बता रही। हाँ जी अंदर से ऐसे निकल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट हो रहा है आपका सारा गंद। आपके दिल पे भी एक मशीन है लगाई थी काली महल के लिए, खराब हो जाएगी। घर उठे रहेंगे, क्यों पैसे बर्बाद कर रही हैं आप। आपको नजर आ रहे हैं नहीं आ रहा, ये बॉस के ब्लैक हेड्स देखें, ये ब्लैक होते नहीं कौन से, वाइट हेड भी हैं इनके, येलो हेड भी। आप मुझे एक्सपोज करना बंद करें यार, ये क्या आपका क्यों नहीं फोकस हो रहा। लास्ट स्टेप की तरफ हम रवाना, वाइट नहीं गुड़ पता नहीं कीड़ा सीरम बॉस उतर लगने लगा। आपकी बहन तो अपना कुछ कराएगी कराएगी, बॉस तो तक इंच साड़ा पे होगा वेला जानना था कितना कम अला रहा था। पॉइंट आ गया जिसमें मैं बॉस का मुंह आपको दिखा सकती हूँ, इसके ऊपर से शीट उतरनी थी, मैं क्या पहले मैं सोने ना दी, रोनी शक्ल दिखा के ना एक बार।
जागे में आप हाँ क्या होता है, बड़ी बहनों को जी कहते हैं, मीना आपको तमीज नहीं सिखाई। अच्छा इसका लास्ट स्टेप चल रहा है, आपकी बहन का भी मुकने वाला है, तो बस फिर जल्दी से चल के रस्ते में रिव्यू देंगे, टाइम बहुत लेट हो रहा है फिलहाल। बल चीज़ दिखाती हूँ, आंखें खोलें। बहन के इतने बड़े बाल होते ना तो कभी भी नहीं कटाती, ऐसे ऐसे कस्टमर आए हुए हैं। अभी ये ब्रश कह रही हैं, उसके बाद कह रही हैं कि मैंने बहुत छोटी कटिंग करानी है। इतने ही है ना मेरे भी, थोड़े से बड़े मेरे बड़े हैं। आपकी बहन के तो रिबॉन्डिंग की वजह से मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़े लगते हैं, क्योंकि स्ट्रेट हो गए हैं ना, अदरवाइज पता नहीं कैसे लड़कियाँ हिम्मत कर लेती हैं। आप यमी को इजाज़त दे देते हैं। बच्चियाँ यहाँ पे शर्मा रही हैं, उनके बाकी क्लाइंट को भी हम तंग नहीं करते, अपना मुकाते हैं। आपकी बहन आज पूरे साल बाद ब्लीच लगवाने लगी है, क्योंकि ऐसे पता नहीं मुझे डर लगता है ब्लीच। आपके पैसे आपने खुद देने हैं, फ्री हो गए हो आप तो, आके बोलें, शर्म नहीं आती। अब आवाज़ आ रही है इशारे करने से। फाइनली जी वैक्स भी स्टार्ट हो गई है। क्या अजान नहीं, अभी नहीं हो रही, नहीं हो रही। अब इस प्यारी सी जगह को अल्लाह हाफिज़ कहने लगे। हर जाके आपको रेट वगैरह बताते हैं, फिर मिलते हैं। अम्मी जान की कॉल आई है कि हमारे ड्राइविंग टीचर आ गए हैं, अम्मी और मां भी वेट कर रही हैं, हमने जल्दी से गाड़ी निकाल ली है, तो फिर कहीं जाएंगे, आपको भी लेके जाएंगे। खाने की तो तरतीब बनी ही नहीं है, बहनों ने कहा कि घर बिरयानी बना दें। आपकी बहन ने कहा चलो कुछ नहीं होता, बना ही देती हूँ, क्या याद करेंगे। बकौल मेरी वालदा के मैंने जो चावलों की कनी छोड़ी है वो मेरे ख्याल में एक से ज़्यादा छूटी हुई है। थोड़ा जूस ही बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि आपकी बहन बिरयानी कैसे बनाती है। माशाल्लाह कितने से पे। मैंने पूछे हैं मेरा वीडियोग्राफर कौन है, मैं कौन होता है, मैं बॉस। आपकी बहन तय नहीं लगाती, देखो फिर अब टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे घर में एक जंगली जानवर दो रहते हैं जिन्हें बहुत सख्त भूख लगी है। तो और मुझे लगता है पतीला छोटा है ना, ये मेरी परानी है, ये मेरी अम्मी है। तो वाह इतनी गर्मी है, इस गर्मी में जो बंदा आपको खाना बना के देता है ना, आप समझ गए कि वो आपके घर का सबसे अच्छा बंदा है। मेरे घर का तो मैं ही हूँ। अभी दम के लिए चीज़ें लगाते हैं, ब्लॉग बंद करें जल्दी से, मुझे बहुत चीज़ें हैं, दम उतारते हुए आपको दिखाएंगे। ठीक, फ्रेश बनाए हैं कबाब, कुछ फ्रीज किए हैं, हालांकि शुक्र है टूटे नहीं रहेंगे, चांसेस से टूट जाएंगे। मानो आपकी एज यूजल क्या धो रही हैं, मानो अभी बर्तन धो रही हैं, आपकी बहन कुकिंग ज़ाहिर करती है, फिर साथ बाकी काम तो नहीं हो सकते मुझसे। मानो आप भी हाई बोल दें। अस्सलाम वालेकुम। ओ मानो आपने तो मुझे एम्बैरेस कर दिया है, दम खुलने लगा है। या अल्लाह खैर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है यार। बोलो ना, आपने तारीफ में करनी है ना, बहुत जबरदस्त है, वो खाएंगे तब पता चलेगा, वैसे तो नजर अच्छी आ रही है। चलो आपको सेट करके प्लेट में चेक करें, आज भी बहुत काम के हैं। चलो मामा बस चलें, बस इतनी मजे की आज मैंने बिरयानी बनाई, बस कर दो, चुप करो।